Rockies, Chico Calligan. Bomb, Rockies, Chico Calligan. Hi, Hi. Hello. कहने को तो थेकडी एक छोटा सा टाउन है, मगर इस टाउन के अंदर पैक्ड है बहुत सारा एक्शन, एडवेंचर और एक्सपीरियंस जो आपको केरला में और कहीं नहीं मिलेगा। लोग अक्सर मुन्नार के बाद सीधा एलेप्पी जाना प्रेफर करते हैं, मगर मैं कहती हूँ कि आपको थेकडी में 2 नाइट स्टे अपनी आइटिनरी में इंक्लूड जरूर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं केरला रोड ट्रिप के थेकडी स्पेशल एपिसोड में। थेकडी मुन्नार से बस 3 घंटे की दूरी पे है, तो यहाँ ट्रैवल करना ज्यादा टायरिंग नहीं होता है। हम मुन्नार से ब्रेकफास्ट करके निकले और पहुंच गए सीधा अपने होटल थेकडी में। नमस्कार, आप थेकडी में पधार चुके हैं और इस वक्त हूँ मैं इनकी मेन मार्केट में, जहाँ पर हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए। सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि ये केरला है और यहाँ पे थेकडी में आपको नॉर्थ इंडियन खाना मिलता है मोस्टली। साउथ इंडियन खाना सिर्फ सुबह ब्रेकफास्ट में मिलता है, तो हमने कम से कम 4 या 5 रेस्टोरेंट्स देखे होंगे और वहाँ पे कहीं पे भी हमें साउथ इंडियन खाना नहीं मिला, तो हमें सेटल होना पड़ा चाइनीज़ और नॉर्थ इंडियन खाने के साथ में। अब हम जा रहे हैं सफारी पे और उसके बाद कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए, तो चलिए देखते हैं ये थेकडी का 1 डे स्टे कैसा निकलता है। तो ये सरप्राइजिंगली चाइनीज लंच करके हम फटाफट जीप में बैठ के निकल लिए फॉर एन एडवेंचर एट द फेमस पेरियार टाइगर रिजर्व। मेन थेकडी टाउन से पेरियार टाइगर रिजर्व का सफर कुछ आधे घंटे का था, बट क्योंकि ये सेमी ओपन जीप थी तो हमें इसमें ट्रैवल करके बड़ा मजा आया। सिंस इट इज अ रिजर्व, तो यहाँ एंट्री और एग्जिट करने के टाइमिंग्स होते हैं, सो मेक श्योर कि जब आप यहाँ आए तो टाइम का जरूर ध्यान रखें। पेरियार टाइगर रिजर्व एंटर करके एक स्टॉप आता है जहां वॉशरूम्स और रिफ्रेशमेंट्स के लिए कैफेटेरिया एस्टेब्लिश्ड है। सो कोर एरिया एंटर करने से पहले यहां आप रिफ्रेश हो ले, क्योंकि आगे सिर्फ जंगल ही जंगल मिलेगा आपको। यहां एक शांत गार्डन एरिया भी है जहां से बहुत ही खूबसूरत लोटस पॉन्ड दिखता है।
अगर आपके पास टाइम हो तो यहाँ आप कुछ देर टाइम स्पेंड करके फोटोज भी खिंचवा सकते हैं। हमने भी यही किया और फिर आगे निकल लिए कच्चे रास्तों पे इस टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में टाइगर की तलाश करने। इतने डेंस फॉरेस्ट में होना अपने में ही एक अलग एक्सपीरियंस एंड वाइब है। जरा सोचिए, आप उस जगह हैं जहां जंगली जानवर अपने मोस्ट नेचुरल वे में रहते हैं। ये है इंडिया का असली जंगल। बहुत ढूंढा मगर मिला नहीं वही जिसको देखने सब आते हैं यहाँ, टाइगर। मगर फिर भी यहाँ आना स्टिल वर्थ इट लगा, क्योंकि जंगल के अंदर टाइम स्पेंड करना अपने में ही एक अलग एडवेंचर है। खैर, यहाँ टाइम स्पेंड करके हम वापस थेक्केडी टाउन आ गए, जहाँ इंतजार कर रहा था हमारे लिए एक मेमोरेबल कल्चरल एक्सपीरियंस। अभी शाम के 6 बज गए हैं और हम देखने जा रहे हैं केरला का ट्रेडिशनल डांस और उसके बाद केरला का ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स। तो लेट्स सी कि कैसा होता है। वैसे तो केरला में 50 से भी ज्यादा फॉर्म्स ऑफ डांसेस मौजूद हैं, मगर आज हम देखने वाले थे सबसे फेमस डांस फॉर्म जिसका नाम कथकली है। कथकली और मोहिनीअट्टम केरला के दो डांस फॉर्म्स हैं जिनको देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। ये कल्चरल सेंटर आपको इसी डांस फॉर्म से इंट्रोड्यूस कराता है। Thank you.
जैसे ही ये शो खत्म हुआ हम पहुंच गए मुद्रा सेंटर के दूसरे शो हॉल में, जहां कुछ दिल दहला देने वाले एक्शंस होने वाले थे कलारी पयट्टू मार्शल आर्ट्स के। क्या आपको पता है कलारी पयट्टू इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मार्शल आर्ट फॉर्म माना जाता है? दोनों कल्चरल प्रोग्राम्स बहुत ही एंटरटेनिंग थे और हमें तो ये दोनों ही टोटल पैसा वसूल लगे। एंड आई एम श्योर कि आपको भी ऐसा ही लगा होगा इनकी झलक देख। सेंटर से बाहर निकलते ही थेक्कडी मेन टाउन एरिया के अंदर आप एंटर कर जाते हैं, जहां लोकल रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स प्रेजेंट हैं। अगर आपको बनाना चिप्स पसंद है तो यहाँ से आप किलोज भर भर के वापस घर ले जा सकते हैं। हर शॉप का रेट अलग है डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, तो दो तीन शॉप्स चेक करके टेस्ट करके ही इन्हें लें। ये ट्रेडिशनल फॉर्म है बनाना चिप्स बनाने का। और ये मॉडर्न स्टाइल। हमने शॉपिंग करके डिसाइड किया कि यही लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाके वापस होटल चला जाए। By the way, केरला की कई सिटीज और टाउन्स में आप जब भी रेस्टोरेंट जाएंगे तो वहाँ आपको पिंक कलर का गर्म पानी मिलेगा। इससे डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है और ये गर्मी से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि ये टाउन छोटा सा है, हम वॉक करते करते अपने होटल भी पहुंच गए और जल्दी ही सो गए, क्योंकि अगले दिन हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था। तो ये था मेरा छोटा सा थेक्कडी का ट्रिप जो यहाँ पर ख़त्म होता है, और यहाँ से मैं जा रही हूँ एलपी, जहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करूँगी हाउस बोट में रहना। 24 आवर्स यानी 24 घंटे एक दिन के लिए हम सब लोग हाउस बोट में रहेंगे, वहीं पर खाएंगे पिएंगे, वहीं पर स्टे होगा।
तो आई एम रियली एक्साइटेड टू गो देयर. और ये छोटा सा ट्रिप आपको अगर पसंद आया हो प्लीज़ गो अहेड, लाइक शेयर. और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो टिकटी को लेके तो यहाँ नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर. इस होटल की डिटेल्स और जहाँ पर मैंने खाना खाया है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख रही हूँ. और अगर आप देखना चाहते हैं कि हाउस बोट एक्सपीरियंस मेरा कैसा था तो फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर करिए, बिकॉज वो बहुत जल्द आने वाली है. होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो. I know, अब बहुत ज़्यादा excited है मेरे Alape के boat house experience को देखने के लिए. तो बस इंतज़ार करिए अगले संडे का, क्योंकि I'm sure आपको बहुत मज़ा आएगा वो देख के. This is me Apurva from Sri Lodge signing out.